वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ शुगर की कॉम्पैक्ट का रिव्यू। ये बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर है। बनाना पाउडर, अगर आपने लूज पाउडर सुना है तो वो आपके फेस की बेकिंग के लिए ज़्यादातर काम आता था, लेकिन अभी शुगर ने बनाना पाउडर निकाला है ताकि आप अपने मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग बना सके। और ये स्वेट प्रूफ है, आराम से आपके मेकअप को सेट कर देता है कुछ ही चंद सेकंड्स में। ये इसका शेड है, आप देख सकते हैं, ये इस तरीके की पैकेजिंग, कार्डबोर्ड पैकेजिंग में आता है। ये मैंने डील में लिया था 1299 में, 3 आइटम्स आप कोई भी परचेज कर सकते थे, तो वहाँ पे लिया है मैंने। और ये कुछ इस तरीके का है, मतलब मुझे इसकी पैकेजिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। यहाँ पे आपको मिरर मिल जाता है, एक कॉम्पैक्ट मिल जाता है, और यहाँ पे आपको स्पॉन्ज मिलता है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी पुफी है, आप देख सकते हैं, और आराम से सेपरेट है, एक के ऊपर एक नहीं है। तो कई बार ऐसा होता है कि फेस पे लगाया, इसके ऊपर रख दिया तो बैक्टीरिया वगैरह चिपक जाते हैं, तो इसके लिए अलग स्पेस दिया गया है। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। उसके बाद कॉम्पैक्ट की बात की जाए तो इसकी ग्लास की क्वालिटी जो है ना, ये जो मिरर दिया गया, इसकी क्वालिटी मुझे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। जैसे ये है कि ठीक है, आपने लगा लिया, आप इसे रीयूज़ नहीं कर सकते, टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब शायद मुझे ऐसा रिसीव हुआ है, लेकिन मुझे इसकी मिरर की क्वालिटी अच्छी नहीं लगी। दूसरी सो गाइज, ये है शुगर का कॉम्पैक्ट पाउडर, कुछ इस तरीके की आउटर पैकेजिंग के साथ ये आता है, बहुत ही क्यूट सी, मतलब जो स्टैंडर्ड पैकेजिंग जो हर एक पैकेजिंग पे है इनकी, तो यही है। ये है बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर। यहाँ पर आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट और बाकी सारी डिटेल्स आपको मिल जाती हैं। ये आउटर पैकेजिंग है कार्डबोर्ड की, और जब हम इसे ओपन करते हैं तो आपको मिलती है ये इस तरीके की पैकेजिंग, बहुत ही कॉम्पैक्ट है। आप कहीं पर भी इसे कैरी करके ले जा सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं। येलो अंडरटोन के साथ ये आता है, 2 बार मैं इसे इस्तेमाल कर चुकी हूँ। इसके साथ आपको इस तरीके का मिरर मिलता है। मिरर की क्वालिटी की बात की जाए तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, टू बी वेरी फ्रैंक। उसके बाद आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है जहाँ पर आपको मिलता है पफ, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। मुझे खास बात इस पैकेजिंग में ये लगी कि पफ को आपको अलग रखना है, कुछ इस तरीके से इसका सेपरेट स्पेस आपको दिया गया है। तो क्योंकि ये खास बात मुझे इसलिए लगी, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि हाइजीन मेंटेन किया गया है। बहुत सारे कॉम्पैक्ट आपने देखे होंगे बाकी अदर ब्रांड्स के, मेबेलिन या बाकी और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं जिन पे कॉम्पैक्ट इस तरीके से रख के आप बंद करके रख देते हैं, जो इसका जो स्पॉन्ज होता है वो, लेकिन इसमें यहाँ पे सेपरेट प्लेस है तो जितने भी जम्स होंगे वो यहाँ नहीं आएंगे, सबसे बड़ी बात। और दूसरी चीज़, ये बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट है, ख़राब नहीं करता है चीज़ों को। वैसे बनाना पाउडर होता क्या है? बनाना पाउडर हम नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं बेकिंग के लिए। ये ज़्यादातर पहले लूज़ में आया करता था, लूज़ बनाना पाउडर आपने सुना ही होगा, जो आपके ब्लिमिशेस को लाइट टेन अप करता है, लेकिन उसमें कोई कलर नहीं होता है, राइट, जस्ट मैट फिनिश देने के लिए या फेस को बेक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था, जो कि हाई कवरेज के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। वही सेम में शुगर ने निकाला है बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर। अब बनाना कॉम्पैक्ट पाउडर में क्या है, कॉम्पैक्ट में इसमें एडेड येलो कलर है। अगर आप लोगों ने कभी कलर करेक्टिंग की है तो आप लोगों को मालूम होगा कि कलर करेक्टिंग में जो मेन कलर होता है वो येलो जो है, डलनेस को कम करने के लिए हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि कईयों के फेस के ऊपर ब्लिमिशेस हैं, आई पफिनेस आ गई है, या अंडर आई एरिया पे हल्का हल्का सा, बहुत ही लाइट सा, मतलब बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स नहीं है, हल्के फुल्के डार्क सर्कल्स हैं, तो उनको रिमूव करने के लिए जो है हम यूज़ करते हैं। या फेस के ऊपर जब डलनेस हो जाती है, थकावट आ जाती है, तो उसको दूर करने के लिए, हल्के हल्के ब्लिमिशेस को कवर करने के लिए, पिंपल्स को नहीं बोल रही हूँ, उसके लिए हम ऑरेंज करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। जस्ट कि अगर आपके फेस के ऊपर हल्के फुल्के डलनेस है तो उसको रिमूव करने के लिए हम येलो करेक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो सेम उसी के अकॉर्डिंग जो है ये कॉम्पैक्ट पाउडर, बनाना पाउडर बेकिंग के लिए, सॉफ्ट बेकिंग के लिए काम आते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आप कोई और कॉम्पैक्ट पाउडर इस्तेमाल नहीं करना चाहते, हाई कवरेज अगर आप चाहते हैं, और अगर आपके फेस के ऊपर हल्की हल्की ब्लिमिशेस हैं उनको कवर करना चाहते हैं, जो कि कंसीलर से भी नहीं जाती, तो आप इस कॉम्पैक्ट को ले सकते हैं। अगर मैं बात करूँ डे टू डे लाइफ में, अगर जैसे गर्मियाँ हैं, हम हैवी मेकअप नहीं करना चाहते और आपको कुछ फुल कवरेज कॉम्पैक्ट चाहिए, तो आप ये वाला कॉम्पैक्ट ले सकते हैं। अगर आपके फेस के ब्लिमिशेस, डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम है, तो ये आपको जस्ट अपने फेस के ऊपर मॉइस्चराइजर लगाएं और उसके बाद इसे अप्लाई करें, आपको मैट फिनिश देगा, और इसके साथ साथ आपके स्किन को जो है वो सेटल डाउन करके रखेगा। और आपके अगर कोई आप सीरम बेस्ड
जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रहे हैं और आपको मैट फिनिश चाहिए तो भी आप इस कॉम्पैक्ट पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कॉम्पैक्ट पाउडर आपको 599 रुपीज़ का मिलेगा, लेकिन अगर आप शुगर की ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपको बहुत अमेजिंग डील्स मिलती हैं। जैसे कि मैंने शुगर की ऐप से परचेज़ किया है इसे, ये वैसे 599 रुपीज़ का है लेकिन मुझे 3 प्रोडक्ट 1299 रुपीज़ में मिले हैं, तो बहुत ही अमेजिंग डील है। इसके अलावा मैंने शुगर के लिपस्टिक्स का पैक खरीदा है जो कि अराउंड 799 मिनी लिपस्टिक में मुझे 4+1 फ्री लिपस्टिक मिली है, टोटल 799 में 5 शेड्स मुझे मिले हैं। तो इस तरीके की डील्स आपको मिलती रहती हैं, आपको चेकआउट करना पड़ता है। वैसे तो इंस्टाग्राम पे इनकी बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं, अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो ज़रूर चेकआउट करना। बाकी इसका फुल रिव्यू मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट है। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। तो अभी मैंने अपने फेस के ऊपर कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया हुआ है। बाय द वे, अगर आपने ये मेकअप लुक चेकआउट नहीं किया है, टीनेजर मेकअप लुक है, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने फुल शुगर के प्रोडक्ट्स के साथ ही फुल मेकअप किया हुआ है, तो वो भी चेकआउट कर लेना आप। तो यहाँ पर मैंने कॉम्पैक्ट, मतलब इजी टू यूज़ है, आप आराम से इसे लगा सकते हैं। इसका जो ये जो स्पॉन्ज है ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, काफ़ी फ्लफ़ी है, जिस वजह से जो कॉम्पैक्ट है वो ईजिली ब्लेंड हो जाता है और आपको मैट फिनिश देता है। मैंने सीरम बेस्ड फाउंडेशन शुगर का ही इस्तेमाल किया था, आप देख सकते हैं एकदम फिनिश्ड मैट लुक आया है और काफ़ी फुल कवरेज दी है इसने और काफ़ी अच्छा लुक निकल के आया है। अगर आपने ये मेकअप लुक चेकआउट नहीं किया है तो जाकर चेकआउट कीजिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर हेल्पफुल रहा है तो लाइक देना बिल्कुल मत भूलिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल बटन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली मिलती रहे और हम इस तरीके से मिलते रहे। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।